हम लोगों ने रंग बदलते तो देखा ही है। अरे इंसान नहीं, मैं गिरगिट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से रंग बदलने वाला एक फ़ोन है वीवो Y100, जिसके स्पेसिफिकेशन की मैं बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। चलिए जानते हैं। इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन शुरुआत मैं इसके डिस्प्ले से करने वाला हूँ। तो इसके जो डिस्प्ले है 6.38 इंच की AMOLED डिस्प्ले आती है और इसकी फिक्सल डेंसिटी 413 PPI है। इस फोन की ब्राइटनेस बात करें तो इसमें 1300 निट्स की ब्राइटनेस आ रही है, जो काफ़ी ब्राइट क्लियर डिस्प्ले होने वाली, क्योंकि इसमें HDR10+ का भी सपोर्ट मिल रहा है। और जो इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90 हर्ट्ज़ का इसमें रिफ्रेश मिलने वाला है। अब चलते हैं हम लोग इसके परफॉर्मेंस की तरफ। तो इसमें जो चिपसेट है इसका MediaTek 900 आता है और ये CPU ऑक्टा कोर है, जिसमें हाईएस्ट स्पीड 2.4 GHz और लोवेस्ट 2 GHz की रहने वाली है। और इस CPU के फैब्रिकेशन की बात करें तो 6nm का इसका फैब्रिकेशन आ रहा है और इसमें जो ग्राफिक्स है वो Mali G68 MC4 ग्राफिक्स लगा हुआ है और इसकी रैम 8GB आती है, जो LPDDR4X रैम है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें स्टोरेज 128GB की UFS 3.1 स्टोरेज आ रही है, मतलब कि काफ़ी अच्छी स्टोरेज है इसकी। और अगर इसमें OS की बात करें कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है इसमें, तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन 13 आ रहा है और साथ में जो UI है इसमें, जो यूजर इंटरफेस रहेगा, वो फंटेंस OS 12 रहने वाला है। फोटोग्राफिकली ये फ़ोन काफ़ी बेहतर डिवाइस होने वाली है, क्योंकि इसमें जो बैक कैमरा है यानी रियर कैमरा है इसका, इसमें ट्रिपल सेटअप आते हैं, जिसमें से इसका जो पहला कैमरा है 64MP का है, जिसका अपर्चर 1.79 है। और इसमें जो दूसरा कैमरा आता है 2MP का है और इसका अपर्चर 2.4 है, ये डेप्थ कैमरा है। और जो तीसरा कैमरा है माइक्रो कैमरा, ये 2MP का आता है, जिसका अपर्चर 2.4 है। और हम लोग इसमें 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ में इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS का भी सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग कोई भी वीडियो या फिर फोटो खींच रहे हैं तो हमारी जो इमेज है एकदम स्टेबलाइज रहने वाली, तो ये कैमरा बिल्कुल अच्छा कैमरा माना जाएगा। और इसके अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसका जो फ्रंट कैमरा है 16MP का आ रहा है, इसका अपर्चर 2.0 है। और इसमें हम लोग 1080p में 30fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सेल्फी कैमरे से। अब बात करते हैं इस फ़ोन के नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो इसमें डबल सिम आ रहे हैं, जिसमें से SIM2 हाइब्रिड रहने वाला, यानी कि उस स्लॉट में हम लोग या फिर सिम लगाएंगे या फिर मेमोरी कार्ड। नेटवर्क बैंड की तरफ गौर करें तो इसमें जो 5G के बैंड है 6 आ रहे हैं और 4G के 7। और वाईफाई की बात करें तो वाईफाई 4 का सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि जो हम लोग कोई भी चीज़ फाइल शेयर वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा स्लो होगा। और ये डुअल बैंड वाईफाई है, तो इसमें 5GHz का भी सपोर्ट मिल रहा है और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलने वाला है। और अगर बैटरी की तरफ हम लोग गौर करें तो बैटरी इसकी 4500 mAh की लाइट आयरन बैटरी मिल रही है। इसे हम लोग टाइप सी केबल से 24W के चार्जर के साथ 30 मिनट में 60% तक चार्ज कर सकते हैं। अगर हम लोग सेंसर की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन मिलने वाला है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंसर बोलते हैं। अदर सेंसर तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ से देख लीजिए। और अगर मैं इसके स्पेशल फीचर की बात करूँ तो इसमें जो स्पेशल फीचर है इसका कलर चेंजिंग है, कि ये फ़ोन जो है कलर चेंज कर सकता है। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं किस तरह से कलर चेंज होते हैं इसमें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन को दबा करके ग्रे कर दीजिए नई से नई जानकारी के लिए। रोड क्रॉस करते समय, रोड पर गाड़ी चलाते समय फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाइए, क्योंकि दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।